Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Hello everyone, kaise hain aap sab? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे के दिन दरअसल हमें हमारे बच्चों को स्कूल में देखने जाना होता है। तो आज मेरे बेटी के स्कूल हम जा रहे हैं, तो उसके लिए बस सुबह सुबह खाना सब्जी वगैरह मैं बनाकर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ब्लॉग ही, फैमिली ब्लॉग ही बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गया मुझे वीडियो नहीं बनाते हुए, तो मैंने सोचा कि मेरा जो यूट्यूब का जर्नी है वो मैं अभी से रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बनते रहिए मेरे ब्लॉग पे देखने के लिए कि आज मैंने अपना दिन कैसे बिताया। तो सबसे पहले तो मुझे अपने घर का काम जो है वो मुझे निपटा लेना होगा, ताकि हम जल्दी समय पर पहुँच जाए। नहीं तो वो मेरी बेटी भी रुकती रहती है, तो उसके लिए ख़राब लगता है। तो इसलिए हम आज जल्दी जल्दी घर का काम निपटा के फिर जाएंगे। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table, lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment. तो यहाँ पर मैंने मेरी बेटी के लिए एक करी बनाया है, क्योंकि उसे एक करी बहुत पसंद है। फिर फटाफट से मैंने चावल भी बिठा दिया, फिर सोचा कि थोड़ा दो तीन बेटी के लिए रोटी बनाकर ले जाती हूँ, क्योंकि रोटी भी उसे बहुत पसंद है। तो इसलिए फटाफट से मैंने रोटी भी बना लिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी मेरे बेटी के लिए खाना पानी जो सामान सब मैंने ले लिया। फिर हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए जाने के लिए। यहाँ मेरा बेटा सिद्धार्थ जो क्लास 8 में पढ़ता है वो भी मुझे मदद कर रहा है उसका बहन का सामान सब गाड़ी में भराने के लिए। फिर मेरे बेटी के लिए हमने एक नया मैट्रेस लिया है, क्योंकि उसका जो मैट्रेस है वो थोड़ा पुराना हो चुका था, इसलिए इस बार नया मैट्रेस बना के हम लोग उसे ले जा रहे हैं। फिर यहाँ मैंने फटाफट से घर लॉक कर दिया, क्योंकि जब हम पूरा फैमिली कहीं चले जाते हैं तो फिर घर में कोई नहीं होता है, तो उसके लिए हम घर को लॉक ही कर छोड़ देते हैं।
जैसा मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर के पास अच्छा स्कूल नहीं होने के कारण हमने हमारे दोनों ही बच्चों को हॉस्टल पर रखा हुआ है, यानी बोर्डिंग स्कूल पे। तो मेरा बेटा तो फ़िलहाल अभी थोड़े दिन के लिए घर आया हुआ है, क्योंकि उसका थोड़ा हाथ में चोट मिला था, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए वो अभी फ़िलहाल घर पर ही है। तो आज वो हमारे साथ जा रहा है। तो यहाँ हम अभी रास्ते पर है, तो यहाँ मेरे पीछे बैठी हुई है लूजा, जो मेरे हस्बैंड की भैया की बेटी है, जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। और यहाँ पर मेरा बेटा सिद्धार्थ, और यहाँ मेरा हस्बैंड जो ड्राइव कर रहा है। तो देखिए, यहाँ हमारे अरुणाचल में धान लग चुका है, इतना सुंदर लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। तो अभी हम मेरे बेटी के स्कूल पहुंच चुके हैं, तो मैंने घर से जो भी बनाकर लिया था वो मैं उसे खिला रही हूँ। मेरी बेटी जरा वो अभी क्लास 1 में पढ़ती है, यहाँ पनलू मेमोरियल स्कूल बर्डमसा में, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं। तो आते आते समय इतना कुछ बिजी हो गया कि कुछ वीडियो बनाने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। शॉपिंग भी करना था, तो घर के लिए कुछ सामान भी खरीदना था, तो शाम ही हो गया। तो फटाफट शाम होने ही वाला था, तो मैंने भगवान के वहाँ फूल रखने के लिए थोड़ा फूल तोड़ रही हूँ। दरअसल हम नया शिफ्ट हुआ है, तो अभी कुछ फूल भी इतना अच्छा नहीं है मेरे घर पर। मैंने बहुत सारा फूल अभी लगाया हुआ है हमारे गार्डन पे, लेकिन अभी वो बड़ा नहीं हुआ है। तो ये तो 2-3 पेड़ है जो मैंने पहले लगा दिया था घर कंस्ट्रक्शन के समय में, तो अभी इसलिए बस इससे फूल मिल रहा है हमें। हमें दरअसल बुद्धिज़्म में रोज़ भगवान को फूल नया हमें दान करना होता है, इसलिए फूल हमें रोज़ चाहिए। तो जो भी मैंने कुछ अपने गार्डन पे लगाया था वो मैं तोड़कर अभी भगवान को दान करने वाली हूँ। ये जो दो यूटेंसिल आप देख रहे हैं इसे योंगले बोलते हैं। इस दोनों योंगले में हम लोग रोज़ नया फूल हम भगवान को हम दे हैं। इसका जो पानी होता है उसे भी नया चेंज करके अच्छी तरह धुला के हम रोज़ यहाँ भगवान को हम नया नया फूल डोनेट करते हैं, इसलिए हमें फूल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बहुत सारा फूल अभी लगाया हुआ है, लेकिन मालूम नहीं कब तोड़ने का चांस मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह हमेशा मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और भी नए नए व्लॉग्स के साथ में रोज़ आती रहूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।